ये मेरा ग्रैंड वाइवा था और मेरे फोर बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ की ग्रैंड फिनाले। जिंदगी इतनी खुदगर्ज निकली कि उसने मुझे उन 4 सालों में से सिर्फ 2.5 साल ही दिए। नहीं, बाकी के 1.5 साल गायब नहीं हुए, मगर वो मेरे बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ भी नहीं थे। धनबाद झारखंड का एक छोटा सा शहर जिसे लगभग सारे जेई एस्पिरेंट्स जानते होंगे, आईआईटी धनबाद के वजह से नहीं, वासेपुर के वजह से। कोल कैपिटल कहते हैं इसे इंडिया का, जिसके वजह से यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स भी थोड़ी खराब ही रहती है। मगर इस शहर का जो 393 एकड़ का हिस्सा है ना, उसकी हवाओं में जैसे रागिनी बहती थी। उसके हर रास्ते सुकून के चौखट पे खत्म होते थे। रामधनी डी स्टॉल ISM कल्चर का ज्यूक बॉक्स है वो। कोई सीनियर आ जाए तो वो आपको पैसे नहीं देने देता, और आप किसी जूनियर को देख लो तो आप उसे पैसे नहीं देने देते, और अगर भीड़ ज्यादा हुई तो खैर अब तो टोकन आ गया है। वहां सैक में आजादी की महक थी, NLHC में कैद होने का एहसास था। सेंट्रल लाइब्रेरी थोड़ी दूर लगती थी, मगर उसके आगे वाला रूबी लेन बहुत पास था। शर्मा जो जेई के वीडियो लेक्चर्स देखते रहता था, कब उसके वीडियोस लोगों के नजरिए बदलने लग जाएंगे, कब हमारे गांव की सावित्री हिप हॉप करने लगेगी, कब रोटेशनल मैकेनिक्स की एक्सपर्ट स्ट्रीट आर्टिस्ट बन जाएगी, और कब कूल डूड 69 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने लगेगा, कुछ पता ही नहीं चलता। ISM की किसी भी फाइनल ईयर के लिए हीरे से ज्यादा कीमती होता है डायमंड, और क्यों ना हो, उसका लाल रंग किसी बैरी शाम के ढलते सूरज की तरह अपनी आसमां में बिखरा रहता था, आसमां जिसे मेरा जमीन बहुत दूर रह गया। ना जाने कितनी बार वहां जाने की उम्मीदें बनी, टिकट्स बने, मगर हर बार इन सब का अंत मेरे चेहरे पर मायूसी और 120 रुपए के नुकसान के साथ हुआ। पर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिंदगी ने 4 में से सिर्फ 2.5 साल ही मुझे दिए, पर चिल है, उन 2.5 सालों में जो कारवा ऑफ मेमोरीज इकट्ठी हुई, वो शायद अगले 25 सालों तक मेरे चेहरे पर मुश्किल आती रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं अब अपने दोस्तों से नहीं मिलूंगा या कभी ISM जाना नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फर्क बस इतना है कि अब तक ISM हमारा घर था, अब से हम लोग उसके मेहमान होंगे। कहते हैं कि जमीन और आसमां के दरमियान एक जन्नत बसता है। खुदा ने मेरे नसीब के झोली में उस जन्नत के 2.5 साल बख्शे। What more could I have asked for? अब तो हमारा वो जन्नत हमारे बिना शमशान बन चुका है। ऐसा शमशान जिसके हवाओं में सैकड़ों रूह तो भटक रहे थे, मगर उसकी मिट्टी को जिस्म की जरा भी भनक नहीं थी। साइनिंग ऑफ बैच ऑफ 21। झोली में छोड़ कर ये यादें, आंखों से ओझल हो न जाए।